सब्सक्राइब करें टेक्निकल एंड नॉलेज को और बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड नॉलेज में। आज के स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे मीशो के बारे में। तो मीशो क्या है और इससे कैसे पैसे कमाया जाता है और ये किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली मीशो से आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं और इनसे तीन लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। जैसे कि अगर आपका कोई काम नहीं है, जैसे कि हाउसवाइफ्स हो गया, या फिर रिटायरमेंट, जो रिटायर आदमी होता है रिटायरमेंट, तो उनका हो गया, और फिर स्टूडेंट लाइफ, तो इन लोगों का इसमें मीशो से बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो इसमें ऐसे ही जैसे कि इसमें हर चीज़ जो मिलता है उसको आप रिसेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कपड़ा हो गया या फिर कुछ भी, मतलब रिसेल होता है इसमें, और ये काफ़ी सस्ते दाम और होलसेल दाम में मिलता है, तो और क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट वहां पे मीशो ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो और नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, अगर लेकिन फिर आप प्ले स्टोर में जाइएगा, उससे अच्छा आप डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके बाद यहां पर प्ले स्टोर में आपको यहां पर मीशो लिख देता हूं, मीशो यहां पर नाम है, जैसे कि यहां पर आ चुका है मीशो, और मीशो ऑनलाइन स्टोर ऐसा आ गया है। तो यहां पर सबसे पहले ओपन करना है, तो यहां पर देखिए ओपन कर देता हूं। उसके बाद ओपन करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप जो भी है मेल या फिर फीमेल आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लीज़ वेट, उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे आपको अकाउंट पे क्लिक करना है या फिर यूजर पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे अकाउंट पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आप साइनअप करें, साइनअप यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे साइनअप करना है। तो साइनअप के लिए आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, या फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, मतलब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, देखिए ओटीपी भी आ चुका है और वहाँ पे ऑटो रीड हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं, और कुछ कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे करके आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे आप फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, और इसमें बेसिकली अदर इन्फो ये सब भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये सब आपका ऊपर है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर जब होम पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कपड़ा दिखाएगा, या फिर मतलब जो भी चीज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पे सपोज़ मैं आपको कुछ ऑर्डर करके दिखाता हूँ, सर ये सब क्या आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मैं ये टी शर्ट को ऑर्डर करता हूँ, यहाँ पे रेट है इसका 245, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे अगर किसी को आप यहाँ पे शेयर कर देंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट पे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ पे पहले कस्टमर्स के पास फ़ोटो जाएगा, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका फ़ोटो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो आएगा, मतलब जितना भी फ़ोटो है, फिर आप काटिएगा, तो उसके बाद दूसरा बार में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट के बारे में है वो आप यहाँ पर डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वो डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद आपको सपोज़ कस्टमर को ये पसंद आता है, सपोज़ आपको उसने रेड वाला पसंद आता है उसको, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी आप यहाँ पे 1 रख देंगे, या फिर आप जितना भी ले सकते हो वहाँ पे आपका डिपेंड है आपके ऊपर। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे यस पे कर दे। उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस कर दे, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे है ही, मेरा यहाँ पे एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी टू एड्रेस, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस न्यू एड्रेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, न्यू एड्रेस, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिख सकेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद डिलीवर टू दिस एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन, पेटीएम। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मेन बात यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे जैसे सेलिंग टू ए कस्टमर, अगर आप यहाँ पे अगर नो लिखिएगा तो आपको जितना प्राइस है उतना ही पे करना पड़ेगा, अगर येस लिखिएगा तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से प्राइस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे 400 करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट पे आपका यहाँ पे मार्जिन होगा 155, ठीक है। यहाँ पे आपको 155 का मार्जिन होगा, आप मतलब जितना भी 245 से ऊपर ही ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 240 लिखते हैं, तो ये आपका नहीं होगा, आपका यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 245 से ऊपर ही कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे 400 है, तो आपको यहाँ पे 155 का मार्जिन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे, और अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, तो जितना प्राइस है उतना ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको येस करना है, और इसमें 155 आपका यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद रुकिए एक मिनट, तो यहाँ पे जैसे 399, इसमें भी आपको बता रहा है कि इतना लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा कैश कलेक्ट फ्रॉम ये कस्टमर। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर पे करिएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस हो जाएगा ऑर्डर। तो उसके बाद यहाँ पे 154 आपका मार्जिन अर्न होगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जैसे कि प्लेस ऑर्डर करते ही आपका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, ऑर्डर कंफर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ से ऑर्डर को देख सकते हैं। तो जैसे कि आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर को यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के। उसके बाद आप यहाँ पे जितना भी है सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका फाइनल प्राइस है 399। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सपोज़ यहाँ पे जैसे कि अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है, तो आप यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं, और रीज़न नहीं भी पता है रीज़न अगर, तो यहाँ पे आपका मर्जी है। तो उसके बाद आप यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर कैंसिल सक्सेसफुली। और जैसे कि अगर आपने मार्जिन कमाया, तो उसको आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो एक मिनट, तो आप यहाँ पे जितना भी पेमेंट है आप यहाँ पे माई पेमेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पेमेंट जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब मेरा पेमेंट आ चुका है और आया हुआ है। तो आप भी इसमें कमा सकते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो बैंक अकाउंट है आप यहाँ से डिटेल को यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि माई बैंक डिटेल्स, और इसमें आप यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे अकाउंट नंबर, रिंग और अकाउंट होल्डर्स नेम और IFSC कोड डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि इसमें और भी फीचर्स है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेव कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरीज़ के हिसाब से भी शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर कस्टमर को शॉपिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरीज यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे होम, मेन, किड्स, किचन, ब्यूटी, ज्वेलरी, बैग्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और कम्युनिटी पे आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, या फिर किसी और ने जो सप्लाई मतलब मीशो का जो रिटेलर है आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने किया होगा, आप भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट पे तो आपको बता ही दिया गया है, और यहाँ पे आपको लॉटरी स्पिन मिलेगा डेली, हर मंथली स्पिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगा कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.